अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? संडे है आज और संडे मॉर्निंग है। कुछ बाहर मार्केट में जाना है ग्रोसरीज के लिए और आए आपको भी मैं साथ लेके चलता हूँ और चलते हैं बच्चों के साथ भी, घर वालों के साथ कुछ ग्रोसरीज करने। चलें मेरे साथ। देखें, अगर एक साउथ अफ्रीका के मैं ये क्रॉस रोड के आसपास एक जगह है वहाँ से गुजर रहा हूँ। ये लेफ्ट और राइट पे मार्केट्स वगैरह भी हैं। यहाँ रोड्स के कितने पास ये सोसाइटीज़ हैं ये भी आपको मैं बताऊँगा। मेन मार्केट मेन रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर का सिर्फ फासला और आप मेन मार्केट में आ जाते हैं बाहर, जहाँ पे आपको ज़रूरत की सब चीज़ें भी मिलेंगी, कैश एंड कैरी, बार्बर शॉप, मेडिकल स्टोर, एवरीथिंग, पेट्रोल पम्प। तो आज संडे है और यहाँ पे कुछ सुकून माहौल है। तो यहाँ से आपको मैं वापसी पे, अभी यहाँ से आपको सिर्फ ये एक रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से मार्केट का रास्ता है, फिर आपको वापसी पे सोसाइटीज़ का विज़िट प्रॉपर भी एक करवाता हूँ। मैं बाहर एक मार्केट में आया हूँ, ये बैक साइड पे मेरे एक मार्केट है शॉपराइट, साथ ही इसके बैंक है FDH बैंक, और इसके पार्किंग में अभी हम खड़े हैं। तो अभी मैं आपको ले कर चलता हूँ वहाँ पर अंदर स्टोर में और वहाँ के आपको दिखाते हैं, स्टोर का हल्का सा विज़िट कराते हैं और कुछ बाकी चीज़ों का विज़िट कराते हैं। तो चलिए, इसके बाद अंदर फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी देखेंगे आप। यस, मुझे एक ऐप मिला था जिसमें आप लोगों को रेस कर सकते हैं और आपको जो भी चीज़ रेस करनी होती है Okay. वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। Okay. सेफ हो जाएगी, आपकी गाड़ी में सेफ हो जाएगी, फिर आप वो यूट्यूब में पोस्ट कर सकते हैं। Okay. गुड। वियर्स, ये अफ्रीका का कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो ये अफ्रीका से हट के एक शहर है, छोटा सा जिसे आप गांव कह लें, लेकिन उसकी भी सूरत आप देखें कितनी खूबसूरती, कितना मैनेज्ड है। यहाँ के गांव, यहाँ के विलेज, यहाँ के जो विलेज हैं वो कितने मैनेज्ड हैं वो सामने आप देखें। शॉप राइट, अब हम चलते हैं। हम चेक करेंगे। ओके ओके, नहीं मैं तो आया ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ऐसे ही था। मुझे, मैं उस दिन भी सोच रहा था कि मैं इनके ऊपर राइड कर लूँगी, किड्स के लिए। मैं अब किड्स को लूँगा ना, मैं 8 का होगी और राइड 11-12 का हो जाएगा। अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीकन किड्स जो है आईपैड के साथ खेल रहे हैं। ओके ना, अफ्रीका में यहाँ पे देखें तो बाटा की शॉप, ओ बाटा की शॉप, ये देखें साउथ अफ्रीका में मैं हूँ, एक छोटी सी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे ये सामने बाटा की शॉप है, पाकिस्तानी बाटा की शॉप इन केप टाउन के एक छोटा विलेज है 8 या 9 के नाम से वहाँ। हाँ, आउटफिटर्स इन पाकिस्तानी आउटफिटर्स यहाँ पे मिले। शॉप स्टिल क्लोज। फाइनली ग्रॉसरी करने के बाद संडे का दिन है, अब हम चलते हैं बाहर गाड़ी की तरफ और वहाँ पे जो है कुछ सामान की सेटिंग करते हैं और इसके बाद घर की तरफ चलते हैं।
तो फिर फर्दर नेक्स्ट देखते हैं कि आज खाने में क्या। स्टोर तक थी और आज का आप वेदर देखें, खूबसूरती देखें और बस सब कुछ देखें। आप मेरे साथ आज व्यू करें आप सारा। चलें अब गाड़ी में सामान रखते हैं और फिर आगे देखते हैं कि आगे हमने अब एक और स्टोर पे जाना है, वहाँ से सिर्फ चिकन लेना है, हलाल मीट लेना है और फिर चलेंगे घर। क्यों हादी? You are never gonna hit 10 million subscribers. I will hit. सामान वगैरह गाड़ी में रख के अब हम बैठे हैं गाड़ी में। बच्चों सेटिंग की है अपनी अपनी। ओके ओके फाइन गुड ओके नाउ देन नाउ वी हैव टू गो टू अनदर स्टोर वी विल बाय हलाल चिकन मीट एंड दैट्स इट। So let's go to Sana Cash and Carry. Follow me. हमें जिंदा चिकन मिलेगी, जिंदा चिकन मैं लूंगा, मैं खुद ज़िबा करूंगा, फिर वो हलाल होगी, तसल्ली होगी और फिर उसको लेके घर चलेंगे हम। और ये एक छोटा सा आज मेरा व्लॉग है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी लेकिन अभी चलते जाएं, मंडी जाना है, वहाँ से मुर्गी लेनी है, वो आपको दिखाते हैं मुर्गी कैसे परचेज करते हैं, कितने की मिलेगी। तो गाय देखें हमने चिकन ले लिया है और मैं घर जाके खुद इसको ज़िबा करूँगा। चलते हैं फर्दर नेक्स्ट, वहाँ पे होगा, वहाँ पे वीडियो मेरा बेटा बनाएगा हलाल और चिकन। हम वीडियो बनाएंगे और नहीं बनाएंगे। वजह? अच्छा ओके। घर पहुंच चुके हैं, अब दूसरी मुर्गी को ज़िबा करते हैं। ये रही मुर्गी है हमारी और इसको लेके चलते हैं उधर ज़िबा करने बाहर की साइड पे। यहाँ पे अब मैं इसको छुरी तेज़ कर चुका हूँ, यहाँ पे अब हम इसको ज़िबा करेंगे और प्रॉपर हलाल तरीके से जो है मुर्गी। ये तकरीबन आतिफ़ शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।